करोगे? हाँ जी। ये भाई साहब पिछले बार भी मैंने बताया ना किसने किसने किया, तो बहुत अच्छा, वाह ताली बजाने कितने लोग। लेकिन एक बात नहीं, जब तक जीना है तब तक करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा थी अभी हूँ, बीच में शक्तियां कहाँ चली गई? 2500 साल हमने अपने कर्मों से सारी शक्तियों को गंवा दी। अभी वो 2500 साल की शक्तियों जो गंवा दी, शक्ति गंवाने में 2500 साल लग गए, अभी फिर से 2500 साल चलाने के लिए। एक बार मोबाइल को चार्ज किया तो दिन भर चली, हाँ तो 1 सेकंड लगाऊंगा तो चार्ज हो जाएगा भाई। कम से कम कितने भी फास्ट चार्जर हो तो 1 घंटा तो लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसीलिए शक्तियों को गंवाने में 2500 साल लगाया, तो शक्तियों को प्राप्त करने में जितना समय संजोग में है तपस्या करनी है। नहीं, आप गए ना उसके बाद मैंने एक बार तो किया था, दोबारा नहीं करना, तीसरी बार नहीं करना, बार 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 करो, क्योंकि अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्थिति है। इसके सिवाय कुछ है, फरिश्ता नहीं बनोगे तो देवता नहीं बन सकते। तो तपस्या, मुझे तपस्या, मुझे तपस्या। चलिए फिर से वो फरिश्तों की कमेंट्री होगा, हम सभी फिर से पुनः आनंद लेंगे कि पहला फरिश्ता दूसरा फरिश्ता। तो इस तरीके से सिद्धि स्वरूप करने के लिए फिर से थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, फिर से थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, अच्छा सभी ने अभी भी नहीं बोला, फिर से थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए। चलिए कमेंट्री करते हैं, आप सभी अनुभव करें। सभी मुस्कुराते हुए शुद्ध प्रकाश, शुद्ध हीरा की तरह झिलमिल झिलमिल जगमगाता सितारा। मैं आत्मा अपने ही संकल्पों से स्तन के मंदिर में फैली हुई सारी शक्तियों को समेट देगा। बाबा उस लाल सुनहरे मीठा परंधाम से उतर कर मेरे मस्तक के 1 फीट की दूरी पर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए। पांच रंगों की किरणें सुख लाल शांति हरा पवित्रता सफेद आनंद पीला
दिव्य शक्तियों की ऊर्जा, सर्वशक्तियों की किरणों की रंग नीला मुझे आत्मा पर पड़ रही है और वही किरणें मेरे शरीर में नस नस में अंग अंग में कितना सुंदर दृश्य है। मैं आत्मा प्रकृति में बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है। अब मैं आत्मा अपने ही संकल्प से स्थूल शरीर से संपूर्ण अलग नया दिव्य प्रकाशवान संपूर्ण पवित्र प्रकाश स्वरूप अंतवाहारूप की रचना कर रही हूं। मेरे सामने मेरा संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आ चुका है। दिव्य शक्तिशाली आगे चमकता हुआ मस्तक, आनंदमय चेहरा, सदा हर्षित चमकीला वस्त्र पहना हुआ दिव्य शक्तियों से सुशोभित आहा कितना सुंदर यही मेरा अंतिम स्वरूप है। मेरा नया घर पवित्र फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया फरिश्ता रूप धारण कर अपने घर परमधाम जाकर उसी संस्कार से नई दुनिया जब मैं जन्म लूंगी तब मेरा देवता जन्म होगा। दिव्य खूबसूरत सुंदर शरीर वाला बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और वही किरणें आंखों से निकल कर मेरे फरिश्ते स्वरूप के ऊपर धीरे धीरे मेरा फरिश्ता ऊपर की ओर उड़ता हुआ इस तपोवन से ऊपर हवा में लहराता हुआ मुस्कुराता बादलों के बीच और ऊपर इस पृथ्वी से भी ऊपर पांच तत्वों से पार चांद सूर्य तारागण हर ग्रह नक्षत्र को पार कर और ऊपर सूक्ष्म पदक में मीठे ब्रह्मा बाबा के पास मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप पहुंच चुका है। बाबा अपने दिव्य नैनों से शक्तिशाली दृष्टि की किरणें मेरे संकल्प से रचे हुए फरिश्ते के ऊपर निरंतर बरसा रहे हैं। कितना सुंदर अव्यक्त मिलन है।
बारिश का स्वरूप सूक्ष्म बदन में स्थित हो गया है। इस समय आत्मा प्रकृति के मध्य में और एक फरिश्ता बना चुकी हूं जैसे पहले बनाया था। यह भी धीरे धीरे ऊपर और ऊपर सूक्ष्म बदन में पहुंच चुका है। बाबा से शक्तियां लेकर विश्व ग्लोब के ऊपर 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माओं को सकाश दे रहा है। वैसे ही ये तीसरा फरिश्ता इस तपोवन के ऊपर 24 घंटे सकाश देता हुआ चौथा फरिश्ता मेरे शरीर के साथ पांचवा फरिश्ता मीठे मधुवन के ऊपर छठा फरिश्ता आपके लौकिक परिवार के ऊपर और सातवां पूरे ब्रह्मांड में सैर करता हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर राजयोगी बना दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। सदा मेरे साथ